नगर की दो युवतियों ने कुछ लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़कों को पकड़कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार नगर के तिलटुकड़ी क्षेत्र की दो शिक्षिकाएं आज स्कूल से घर की ओर जा रही थी। सिमलगेर से पीछा कर रहे तीन युवकों ने युवतियों की वीडियो बनाकर गलत कमेंट करने शुरू कर दिए। सिलथाम पहुंचकर युवतियों ने इसकी शिकायत चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों से की। पुलिस ने तत्काल एक युवक को पकड़ लिया। उससे पूछताछ करने के बाद अन्य युवकों को भी पकड़ लिया गया। तीनों को पुलिस कोतवाली लेकर आई और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। बताते चले कि इन दिनों नगर में कुछ युवक इस तरह युवतियों के वीडियो बनाकर फेसबुक में प्रसारित करने के लिए रील बना रहे हैं, जिसमें वह गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। नगर के व्यापारियों ने इस तरह के युवकों पर अंकुश लगाने की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मोहन चंद्र पांडे व प्रभारी SOG हेम तिवारी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर भाटपुर रोड पर अजय सिंह धामी निवासी लिंठुड़ा निकट गंगा निवास को 4.4 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ कोतवाली में NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा जिले में 32 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। SI बसंत पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान सड़क पर रेता डालकर यातायात व्यवस्था को बाधित करने पर कैलाश उप्रेती लिंक रोड का 10,000 रुपए का चालान किया। साथ ही थाना अध्यक्ष कनाली जिना जावेद हसन ने बाजार के पास सड़क पर रेता डालने पर तानी राम निवासी सिरौली का 10,000 रुपए का चालान किया। प्रकाशन की किताबें इन स्कूलों में लगाई जा रही है। मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपया अभिभावकों से लूटा जा रहा है। SMS के रूप में लाखों रुपया लूटा जा रहा है। एक विद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, 30-30, 50-50, 100-100 करके साल में लाखों करोड़ों की कमाई इन विद्यालय के द्वारा की जा रही है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे गरीब अभिभावक जो ग्रामीण क्षेत्र से 200-300 किलोमीटर दूर से यहाँ पर एक छोटा सा कमरा लेके अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके सपनों को इनके द्वारा लूट के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस मौके पर आनंद पांडे, कैलाश चंद्र जोशी, मनोज पांडे, कैलाश तेरा, हयात सिंह, गिरीश जोशी, षष्ठी बल्लभ तिवारी, शोभन सिंह कार्की, संजीव गोरा, ललित मेहर, रविंद्र प्रसाद, विनीत पाठक, सोनम पांडे, भुवन जोशी, गोलू पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। अधिकारी महोदय से शासन को ज्ञापन दिया जाना है।
आज का हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा। बता दें कि इस मौके पर गिरीश जोशी, पीएल वर्मा, कैलाश जोशी, सुनील नाथ, नवीन जंगपांगी, केएस मनोला, केएस अधिकारी, नीलम जोशी, कविता वर्मा, शर्मिला धोनी, धीरा मर्तोलिया, टीएस तोमर, जीवन खड़ायत आदि मौजूद रहे। आगामी मानसून काल को देखते हुए आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारियों के मद्देनजर डीएम रीना जोशी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने सड़क से संबंधित विभागों के अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर भूस्खलन वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, साथ ही झाड़ी आदि का कटान कर वैकल्पिक मार्गों को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए और जर्जर स्कूलों का भी चिन्हीकरण करने को कहा। बता दें कि बैठक में एसपी लोकेश्वर सिंह, एडीएम फिंचा राम चौहान, डीडीओ रमा गोस्वामी समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने पिथौरागढ़ डीएम रीना जोशी को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी लंबित मांगे पूरी नहीं की गई, तो वह आंदोलन को विवश होंगे। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना बहाली, विभागों में एक समान नियमावली आदि मांगे उठाई। बता दें कि इस मौके पर महिपाल सिंह डोभाल, प्रदीप सिंह नेगी, प्रकाश जोशी, दिनेश जोशी, मनीष पंत, खुशबू जोशी, कुंजन मंगला, तनुजा तिवारी, शालू प्रजापति, हेमंत जोशी, मनोज खाती, पंकज मेहरा समेत कई इंजीनियर मौजूद रहे। खबरों को देखते रहने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। आप खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में पढ़ने और देखने के लिए अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।